हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे द साइंस बिहाइंड द हैंगओवर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। हैंगओवर जो है ये तब होते हैं व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स टू मच ऑफ एल्कोहल, एंड द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैंगओवर इज एसीटाइल्डिहाइड, एंड इट कॉजेज मेनी सिम्टम्स इन द बॉडी। लिवर में जो है द एल्कोहल गेट्स ब्रोकन डाउन, द ड्रिंक्स विच कंटेन इथेनॉल इट गेट्स ब्रोकन डाउन इन टू एसीटाइल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एल्कोहल डिहाइड्रोजनीज, एंड द एसीटाइल्डिहाइड इज वेरी टॉक्सिक एंड इट कॉज सीवियर सिम्टम्स इन द बॉडी। एंड द एल्कोहल विच हैव मिथेनॉल इट ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू, और वी कैन से ब्रोकन डाउन इन टू फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम एंजाइम, and the formic acid is very toxic and they further cause symptoms like sweating, nausea and vomiting. Now alcohol jo hai it also slow downs the communication between our neural cells. Neural cells yani the nerve cells, or we can say the neurons. Nerve cells ke beech mein communication ko slow down kar dete hain, jiski wajah se a person may enter a hyperactive state, जिसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट कॉज होती है एंड इट मेक्स द पर्सन स्लीप शॉर्टर एंड फील लेस स्ट्रेसफुल देन नॉर्मल। इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द लेवल्स ऑफ मैनी हॉर्मोन्स एंड वन ऑफ देम हॉर्मोन इज द कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये एक स्ट्रेस हॉर्मोन होता है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन जो बेसिकली रेगुलेट करता है बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो अ पर्सन विल फील डिसओरिएंटेड। एंड देर आर सम कंपाउंड्स अदर देन इथेनॉल विच आर प्रेजेंट इन द ड्रिंक्स, दैट इज द कॉनजेनर्स। कॉनजेनर्स जो हैं ये वो केमिकल्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं एंड दे प्रोवाइड डिस्टिंक्ट फ्लेवर एंड कलर टू द एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ड्रिंक्स को फ्लेवर और कलर प्रोवाइड करते हैं कॉन्जेनर्स। अगर कॉन्जेनर्स का अमाउंट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन केस ऑफ रेड वाइन एंड विस्की, दे विल कॉज मोर हैंगओवर सिम्टम्स। एंड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जेनर्स इन द ड्रिंक्स इज लो, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन केस ऑफ वोडका जिन, दे विल कॉज फीवर हैंगओवर सिम्टम्स। गॉट इट? सो अल्कोहल वन ऑफ द सिम्टम इज हेडिक्स ऑल्सो। हेडिक्स कैसे कॉज होते हैं? वेन अ पर्सन इनटेक अल्कोहल इट अफेक्ट्स द केमिकल सिग्नलिंग इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो केमिकल सिग्नलिंग होती है उसको अफेक्ट डालते हैं। मेनली इट अफेक्ट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर इन्वॉल्व इन द पेन सिग्नलिंग। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पेन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको अफेक्ट डालते हैं, एंड अल्टीमेटली इट causes the expand in the blood vessels in the brain and ultimately cause headaches. It also damages our mitochondria present in our cells. Mitochondria kya hote hain? They are the powerhouse of the cell. They are the powerhouse of cell. Basically, they are responsible for producing ATP that give us energy. अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो अ पर्सन विल फील फेटीग, वीकनेस एंड सम मूड डिस्टर्बेंसेस आर आल्सो देयर। अल्कोहल जो है दे आल्सो स्टिमुलेट्स आवर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है एंड कुछ ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, एंड दैट कॉजेज एंड दैट अफेक्ट आवर मूड एंड इम्पेयर द मेमोरी। एंड वन ऑफ द those causes lead to the gastrointestinal disturbances. Gastrointestinal disturbances ke andar jo hai stomach ke andar irritation feel hoti hai, and it causes inflammation in the lining of the stomach and intestine. Intestine aur stomach ki lining mein inflammation honi shuru ho jati hai, jiski wajah se it also slow down our stomach emptying and lead to the increased production of gastric acid. अब गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड जो है ये हमारे पीएच को लोवरिंग द इट हेल्प्स इन लोवरिंग आवर पीएच एंड
इट किल्स द इंजेस्टेड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, एंड इट ऑल्सो लिमिट्स द बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इन द स्टमक, स्टमक में बैक्टीरियल ग्रोथ होने को रोकता है। अगर इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल कॉज स्टमक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑल्सो। एंड वन ऑफ द मेजर सिम्टम इज द डिहाइड्रेशन, यानी वाटर शॉर्टेज हो जाना बॉडी के अंदर। अल्कोहल जो है वो सप्रेस कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इट्स एन एंटी डायुरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच। इसका फंक्शन होता है टू डिक्रीज द वाटर एक्सक्रीशन बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन अ पर्सन इनटेक अल्कोहल द लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से विच कॉज अ पर्सन टू पी मोर एंड इंक्रीजेस द यूरिन प्रोडक्शन, एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज द लॉस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन्स, एंड इट कॉजेज इम्बेलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से अ पर्सन फील थर्स्ट, ड्राई माउथ, हेडेक एंड वीकनेस। गॉट इट? नाउ दीज आर सम कॉमन हैंगओवर रेमिडीज। हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ द हैंगओवर्स? वी कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और वी कैन ड्रिंक सम इलेक्ट्रोलाइट बीवरेजेस। इलेक्ट्रोलाइट बीवरेजेस जैसे कि कोकोनट वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, जो हेल्प करते हैं बाय डिक्रीजिंग दीज सिम्टम्स रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। एंड वी कैन ईट कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, विच हेल्प इन रेप्लेनिशिंग द ग्लूकोज लेवल बाय डिक्रीजिंग द अल्कोहल लेवल। एंड एंटाब्यूज आर ऑल्सो गिवन। ये एंटाब्यूज जो है दे ब्लॉक एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल को ब्रेक डाउन का काम कर रहे थे उस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देते हैं और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होने देते, और एसीटाल्डिहाइड जो टॉक्सिक कंपाउंड बनता है उसके सिम्टम्स नहीं होते बॉडी में। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टॉपिक। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।